68वें सेना दिवस के मौके पर आज थल सेना प्रमुख दलबीर सिंह ने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि देश में आई प्राकृतिक आपदा से लेकर नेपाल में आए भीषण भूकंप में भी सेना के जवानों ने दिन रात एक कर अपना लोहा सारी दुनिया के सामने मनवाया। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाली भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपरा का निर्वाह करते हुए हर साल जनवरी में सेना दिवस मनाती है और इस दौरान अपने दमखम का प्रदर्शन करने के साथ ही उस दिन को श्रद्धा से याद करती है जब सेना की कमान पहली बार एक भारतीय तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा के हाथ में आई थी। भारतीय सेना का रुद्र एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर हवाई हमला करते हुए स्ट्राफिंग की कार्रवाई करते हुए दुश्मनों के इलाके में सेना के घुसने से पहले तबाही मचा देता है। 20 mm नोज गन से सुसज्जित तो फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर चपलता से जाबाजों को दुश्मन के इलाके में पहुंचा देता है। दीवार के साथ आपने अभी अभी देखा प्रतीकात्मक प्रदर्शन सक्सेस सिग्नल। इस बीच मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री अपनी चाल चल देती है और दुश्मन का खात्मा हो जाता है। ये नजारा है 68वें थल सेना दिवस का जिसका मुख्य आयोजन हुआ दिल्ली कैंट में। भारतीय सेना ने दिखाया कि क्यों वो दुनिया के सबसे घातक सेनाओं में शुमार है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है और कोशिश है कि नियंत्रण रेखा को एक्टिव रखा जाए। जम्मू और कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन की लगातार हो रही कोशिश ने लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिव रखा है। आपने सीमाओं पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बॉर्डर्स पर और डिफिकल्ट एरियाज में आपकी बेहतर निगरानी की वजह से घुसपैठ में बहुत कमी आई है। सर्जिकल ऑपरेशन में हमने बड़ी संख्या में टेररिस्ट और उनके मेन लीडर्स को मार गिराया है। ये टुकड़ी है पारा कमांडो की। मार्चिंग टुकड़ी में कदम से कदम मिलाते राजपूत रेजिमेंट, असम बिहार रेजिमेंट और टेरिटोरियल आर्मी। मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस बार लगभग दो दशकों बाद सेना की डॉग कंटिंजेंट शामिल हुई परेड में। प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन इन एक्सप्लोसिव डिटेक्शन एंड माइन डिटेक्शन। इस मौके पर 15 बहादुरों को सेना मेडल से सम्मानित किया गया जिसमें 5 सम्मान मरणोपरांत दिए गए। बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना पर देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर है। पिछले एक साल में सरकार ने कई बड़े हथियार और इक्विपमेंट के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। आकाश वेपन सिस्टम का आर्मी एयर डिफेंस में इंडक्शन शुरू हो गया है। भारत में बनाए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा का इंडक्शन भी शुरू हो चुका है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सेना को अपनी बधाई दी और कहा सेना दिवस पर हमारी सेना की अदम्य वीरता, दृढ़ संकल्प और समर्पण को सलाम। इसके अलावा भविष्य पे नजर डालें तो आने वाले वक्त में माउंटेन कोर और तीसरी पीढ़ी के टैंकों और अन्य उपकरणों के विकास पर जरूर नजर रहेगी। नंदिता डागर के साथ ओम प्रकाश दास, DD News दिल्ली।